ये सरकार कैसे एक्सपेक्ट करती है कि जो बच्चे क्लासेस तो ऑनलाइन लगा रहे हैं पर वो एग्जाम देने एग्जामिनेशन हॉल में है, क्या ये उन बच्चों की सेहत के साथ खिलवाड़ नहीं है, क्या उनके परिवारों के साथ खिलवाड़ नहीं है, या जो लोग वहाँ पे एग्जामिनेशन हॉल में स्टाफ या जो कॉलेजेस या यूनिवर्सिटीज का स्टाफ होगा उनकी सेहत के साथ ये खिलवाड़ नहीं है। और सबसे बड़ी बात मैं क्लियर करना चाहती हूँ, हम सब युवा के यूथ कांग्रेस के साथी और NACYC के साथी यहाँ बैठे हैं, हम लोग एग्जामिनेशन के खिलाफ हैं, हम क्वालिटी एजुकेशन के खिलाफ नहीं है। हम ये नहीं चाहते कि घरों में बैठे बच्चों को आप बिना मतलब प्रमोट कर दो, पर एटलीस्ट हम अपनी सरकार से इतना तो एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आप लोग वैक्सीनेशन इंश्योर कर लेते। हमारे नौजवान जो बच्चे हैं स्टूडेंट्स हैं, अगर वो वैक्सीनेटेड होते, अगर उनके दोनों डोजेज लगे होते तो शायद उनके माँ बाप या हमको ये चिंता ना होती कि वो एग्जामिनेशन हॉल में जाएंगे तो उनको इन्फेक्शन हो सकती है, उनकी सेहत को खतरा हो सकता है। आप वैक्सीनेशन प्रोवाइड करने में नाकाम हो गए आपके, तो ये एक सरकार का गैर जिम्मेदारी का जो रवैया है इसके खिलाफ यूथ कांग्रेस खड़ी है और खड़ी रहेगी। और आने वाली 7 तारीख तक हम भूख हड़ताल पे बैठे हैं। आज ही हमारे 4 साथी सुखराज जी, रजत जी और NACYC के हमारे साथी जो है वो भूख टोनी जी भूख हड़ताल पे बैठे हैं और 7 तारीख तक ये जो क्रमिक भूख हड़ताल है इसी तरीके चलेगी। बट अगर तब भी इन्होंने हमारी इन मांगों को ना पूरा किया, आने वाले जो प्रोफेशनल कोर्सेज के एग्जामिनेशन है वो रद्द ना हुए, तो यूथ कांग्रेस सड़कों पे भी उतरेगी और इस जो हमारा ये प्रोटेस्ट है इसको एक बहुत ही अग्रेसिव और बहुत ही इसको बड़े स्तर पे हमको ले जाना पड़ेगा। उसमें चाहे CM का घराव करना पड़े, एजुकेशन मिनिस्टर का घराव करना पड़े या यूनिवर्सिटीज़ के गेट घेरने पड़े,